हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसा लग रहा है इनका ये हेयर कट, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेयर कट ऐड करूंगी, तो सबसे पहले कान के सामने से हेयर को ले रही हूं मैं। बीच वाले पार्ट्स को बराबर कट कर रही हूँ, चिन से थोड़ा नीचे लाके इस टाइप से बराबर इसको कट कर बहुत दे रही हूँ। शॉर्ट नहीं करेंगे, बहुत लॉन्ग नहीं रखेंगे। तो इनकी लेंथ जो है क्या मीडियम है, तो मैं थोड़ा ऐसा कट करूंगी कि अगर ये अपने बालों पे क्लच भी करें ना, तो शोल्डर के पास से इनके पूरे लेयर स्टेप्स दिखने चाहिए। साइड वाले हेयर को भी देखिए, गाइडलाइन के साथ में ऐसा मिक्स करके थोड़ा सा तिरछा कट कर दे रही हूँ। इधर भी सेम वही प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पे ये फ्रंट का हो गया। अब साइड वाले हेयर को भी सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे इस टाइप से। देखिए, अच्छे से टू फिंगर के बीच में ग्रिप करेंगे। पहले तो कोम करके सुलझाएंगे और इस तरीके से ग्रिपिंग करनी है। ये देखिए, तो ये हो जाएगा इसमें लेयर कट। तो थोड़ा सा तिरछा कट कर रही हूं मैं, फिर से रीचेक कर लेंगे और जो भी हेयर अनइवन लगेगा उसको इस तरीके से हम ट्रिम कर देंगे। और ये पता है, ये भी काफ़ी दूर से आई हुई थी। बहुत खुशी होती है जब लोग दूर दूर से एक दूसरे के कांटेक्ट से आते हैं, नाम सुन के आते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप में बहुत प्राउड फील होता है। ऐसा लगता है हाँ, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जो लोग इतना दूर दूर से भी एक दूसरे से नाम सुन के आते हैं। एक साइड का लेयर कट देखिए मैं डन कर दी हूँ। अब इधर वाले बालों पे भी सेम वैसे ही मीडियम सा सेक्शन ऐसा डिवाइड करना है, ठीक है। ये जब भी आप लेयर कट करते हैं या स्टेप्स कट करते हैं, थिकनेस के हिसाब से जो सेक्शन हम लेते हैं वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि जितना मैं दिखा रही हूँ उतना आप करें। प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है, लेकिन कम ज़्यादा आप पार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दूसरी तरफ भी सेम वैसे हेयर को डिवाइड की हूँ और तिरछा कट कर रही हूँ ताकि जो लेंथ है वो मेंटेन रह सके। तो तिरछा कट करने से लेंथ नीचे की शॉर्ट नहीं होगी। एक बार फिर से रीचेक कर ले रही हूँ, ये देखिए। यहाँ पे देखिए, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब साइड वाले हेयर को भी ऐसा गाइडलाइन लेंगे और इस तरीके से एक साथ में मिला लेंगे। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे कितने सेक्शन कट किए हुए हैं, तीन। पहले फ्रंट वाला और दो पीछे से, ये देखिए, ठीक है। अच्छे से सामने की तरफ लाएंगे और ऐसा तिरछा कट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा लेयर कट भी कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही हमारा लेयर कट डन होगा, उसके बाद हम करेंगे फ्रंट हेयर कट। तो फ्रंट हेयर कट के लिए मीडियम सी लेयर को लेना है। छोटा बड़ा आप क्लाइंट की पसंद के हिसाब से रखेंगे। कटिंग करने के पहले हमेशा एक बार पूछे जरूर आप। तो यहाँ पे इनको मीडियम चाहिए, मैं मीडियम इसलिए रखूंगी ताकि ये चाहें तो थोड़ा पफ जैसा भी बना सकती हैं।
और साइड में रखना चाहें तो साइड में भी रख सकती हैं। ओके, तो ये प्लस पॉइंट होता है। और फ्रंट ईयर कट तो जरूरी होता ही हर एक कटिंग में। कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको सामने से कटिंग की नीड नहीं होती है या लोगों को पसंद नहीं होता है तो फिर हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये चीज़ उनकी अपनी खुद की च्वाइस होती है। वैसे तो ये अपना ना इतना ही हेयर कट देख के बहुत खुश हो गई थी, बट मुझे अभी इतनी खुशी नहीं मिली जितना कि मुझे और करके देना है थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, नीचे से इनके बालों में फिनिशिंग दे देनी है। तो मैं यू कट देने वाली हूँ, लाइट यू रखूंगी, बहुत डीप में नहीं जाऊंगी ताकि हेयर पतला ना लगे। तो शोल्डर वाले हेयर को शोल्डर के पास से लेके कट कर देंगे। ओके, और जो सेंटर पार्ट है उसको बीचों बीच में रख के इस तरीके से कट करेंगे। जब भी पतले बालों पे आप स्टेप्स कट करते हैं तो थोड़ी चौड़ी लेयर के साथ कट करें, तो वहां भी होता क्या है कि वो पूंछ जैसा निकल के बाहर नहीं आता। वो इधर भी सेम वैसे ही कंप्लीट कर लेना है। और ये जो फाइनल मैं बोलती हूँ लास्ट में फिनिशिंग देने के लिए, तो लगभग ये हर एक कटिंग में करने के लिए मैं बोलती हूँ। इससे मान लीजिए आपसे कहीं भी कुछ गड़बड़ भी होता है तो उसे आप लास्ट में इवन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पहले चेक करूंगी कि इनके बालों में और नीड है या नहीं है स्टेप्स कट की। तो यहाँ पे ये हो चुका है, बट मैं थोड़ा सा और घना लुक देना चाहती हूँ बालों को, ताकि विदाउट ब्लो ड्राई भी इनका हेयर अच्छा घना दिखे। उसके लिए हेयर को टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे हाफ हाफ करके। इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, वैसे तो कुछ लोग आइडिया लगा चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। इसमें जो है मैं वन स्ट्रोक फ्लावर और वन स्ट्रोक ट्विस्टिंग स्टेप्स कट मिक्स करने वाली हूँ। टाइप से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हेयर को मुट्ठी में इस तरीके से पकड़ के फैला लेंगे और इसको बराबर बराबर इस टाइप से गोलाई से ट्रिम कर देना होता है, सिंपल। तो ये हो जाता है हमारा फ्लावर स्टेप्स कट। तो इसको मैं वन स्ट्रोक में ही कट कर रही हूँ, एक बार पर नहीं। मतलब वन स्ट्रोक का मतलब होता है एक बार में कट कर देना। ओके, तो ये एक ही बार मैं प्रोसेस करूंगी। ये हाफ हेयर का डन हो गया। अब नीचे वाले हेयर को अब हम पूरे बालों को एक साथ इस तरीके से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और इसमें हम डालेंगे ट्विस्टिंग स्टेप्स कट। नीचे की तरफ फ्लावर कट नहीं करने के पीछे का रीजन ये है कि ओवरऑल पूरी कटिंग हो चुकी है, मैंने यू कट भी कर दिया हुआ है, तो सिर्फ जो है स्टेप्स की मिक्सिंग के लिए और साथ ही साथ एक इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स भी ऐड हो जाएगा, उसके लिए मैं इसमें ट्विस्टिंग स्टेप्स कट डालूंगी। अच्छा, बहुत से लोगों का ये कमेंट आता है कि मैम ट्विस्ट करने से क्या होता है। तो ट्विस्ट करने से जो स्टेप्स का लुक निकल के आता है ना, वो एकदम पंख के जैसे होता है। जैसे कि फेदर कट में होता है ना तो पंख नुमा स्टेप्स दिखता है, सेम वैसे इसमें भी दिखाई देगा। तो ये डन हो चुका है। ठीक है, अब फाइनली मैं इनके हेयर पे थोड़ा सा ब्लो ड्राई कर दी हूँ, उसके बाद का लुक दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये मैम तो बहुत ज्यादा खुश हुई अपने हेयर कट को देख के, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि जो भी कटिंग मैंने इनके बालों पे की है वो कैसी लग रही है, परफेक्ट है या नहीं है। आप लोग भी अपनी राय मुझे दे सकते हैं और बताइएगा जरूर। तो ये बहुत हैप्पी हो गई, आप खुशी इनके फेस से देख सकते हैं, अपने चेंज लुक को देख के इनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब क्लाइंट खुश होते हैं ना, तो उनसे कई गुना ज्यादा खुशी हमको खुद को मिलती है कि हाँ हमारा काम सफल हो गया, जो भी हमने मेहनत की, जो भी हमने कुछ अच्छा न्यू ट्राई करने की कोशिश की, कुछ अच्छा लुक देने की कोशिश की, क्लाइंट को पसंद आया। आई एम सो हैप्पी। तो जब क्लाइंट खुश होते हैं तो बस वहीं पे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत बिल्कुल सफल हो गई। तो फ्रंट लुक आपने देख लिया, अब बैक लुक देखिए, पहले कैसे दिख रहा था इनका हेयर लुक आप सोचिए, और अभी कट होने के बाद कैसा दिख रहा है। लग ही नहीं रहा है कि नीचे से हेयर पतला था या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। अभी ओवरऑल जो भी लुक है वो इवन दिख रहा है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक घना दिख रहा है, और जो स्टेप्स हैं फुल हेयर पे बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। मैं अच्छे से शेक करके इसलिए दिखाती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोम करूँ, फिंगर चलाऊँ तो कटिंग खराब हो जाएगी, नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोम करके दिखाती हूँ ताकि आप उसका फाइनल लुक ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। इनके हेयर कट का फ्रंट एंड बैक दोनों लुक तो दिखा दी, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को साइड लुक भी दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग सके कि एग्जैक्ट जो स्टेप्स लुक निकला है वो कैसा आया है। ये देखिए एकदम नज़दीक से कैमरा जूम करके दिखा रही हूँ, और रहा सवाल इनके खुशी का, तो वो आप इनके फेस से देख के लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा खुश हुई अपने हेयर कट के लुक को देख के। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल ओके गाइज, फिर कल मिलते हैं आप सबसे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।